So guys, welcome back to LT Vlogs. What was the line that I taught you, London? Ek baar fir se. So one more time. Ek baar fir se. And so guys, we are in Fremantle today. And Brandon is my friend and he's gonna be my tour guide. Because he's born and brought up here, so he knows about this place much more than anyone else, I guess. A local Aussie we have. Yeah. So, for my Hindi viewers, आज भी हम फ्रीमेंटल में हैं और आज का प्लान यही है कि पूरा फ्रीमेंटल का एरिया जो भी है, अभी फिलहाल हम म्यूजियम के सामने, मगर आज बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करेंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या फ्रीमेंटल में है, कहाँ कहाँ आप घूमने जा सकते हो, यहाँ का लोकल एरिया कैसा है, लोकल चीज़ें कैसी हैं, लोकल बार्स या लोकल रेस्टोरेंट, ट्राई करूँगा मैं जितना हो सके कवर करने के लिए. एंड बाकी का स्टेप बाय स्टेप ब्रैंडन मेरे को आज गाइड करता रहेगा हर जगह पे. एंड मज़ा आने वाला है, पूरी वीडियो एंड तक देखना. और अगर ऐसी वीडियो और भी चाहिए होंगी तो भाई कमेंट कर देना. स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. So I'm going to tell you a little bit about Fremantle. It's a bit of like a port town, so there's a lot of like maritime history, so anything to do with the water, to do with boating, anything like that, that's what you'll find here. There's a lot of heritage buildings because that's how Fremantle was established, as like a little port town where all the sailors would come in, and all the trade, everything was being brought in by ships, by boat, that kind of thing, and then the rail system would like take it to the rest of the country. So everything you'll see in Fremantle will be like related to all that kind of stuff. Now it's more like used as a tourist destination. There's a lot of cafe strips, there's a lot of shopping, there's a lot of accommodation as well because it's quite close to the coast, so you'll get all the kind of like holiday sort of people coming to visit and stuff like that. But there is still a big commercial port where big freighters will come in, and they bring all the freighters, like cars and electronics and furniture and all that kind of stuff kind of gets shipped in here. Not as much now because Western Australia is a bit split up between the north and the south in terms of like shipping and stuff like that. But there's still a lot for like, you know, normal everyday houses and stuff like that. So yeah. So guys, मैंने ships बहुत देखी हैं, but submarine मैं इतने close से तो अपनी life में पहली बार देख रहा हूँ. And अभी जैसे Brandon बताया कि पहले तो ये लोग ना आपको allow करते थे अंदर जाने के लिए भी, मगर अभी अंदर जाना allowed बंद कर रखा है, पता नहीं क्या reason है. मगर जिन जिन लोगों ने submarine नहीं देखी है भाई, अब देख लो. फोटोज़ में तो या वीडियोस में मैंने जितनी बार देखा था, इतनी बड़ी होगी ये मैंने सोचा नहीं था. बिकॉज अभी भी मैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हूँ, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. पता नहीं रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या शो पीस के लिए रखी हुई है, ये तो पता नहीं. बाकी भाई फिशिंग चल रही है वहाँ पे, ये तो मैंने देखा ही नहीं था बंदे यहाँ पे ऐसी जगह पे फिशिंग कर रहे होंगे. सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं आपके यहाँ पे तुरंत मछलियाँ बहुत ज्यादा होंगी यहाँ पे. Looks like a brim. No, it's a dead fish. Just floating on the surface. Guys, our first destination, पहली जगह जहाँ हम जाने वाले हैं वो है WA Maritime Museum. एंड जितना आपको नाम से समझ आ गया होगा, इसके अंदर जितने भी इनकी क्लासिक बोट्स रही हैं या फिर जो भी इनके पास डेब्रीज हैं या जो भी है, बोट्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, उसकी कुछ पार्ट्स मिलेंगे, उनकी फ़ोटोज़ मिलेंगी, शायद हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा भी होगा. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, प्लेन वगैरह के बारे में तो हम घूमते देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, मगर कभी वाटर बोट्स या फिर शिप्स के बारे में मैंने कभी इतना ना ध्यान से सोचा ही नहीं, ना कभी देखा है. तो मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, अंदर जाके देखेंगे. एंड आई डोंट नो अंदर फिल्मिंग अलाउड है या नहीं, अगर अलाउड होगी तो मैं अंदर के जो जो मेन मेन चीज़ें होंगी दिखाने के लायक वो सब कवर कर दूंगा मैं, और कुछ क्वेश्चन बचे रह गए तो मैं ब्रैंडन से पूछ के आपको क्लेरिफाई कर दूंगा. चलते हैं अंदर. सुबह अंदर आ चुके हैं हम, और ये देख रहे हो छोटे छोटे मिनिएचर्स रखे हुए हैं बोट्स के, काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है. Lot of Australian like settlers and stuff like that, like they have a lot of colonial relics and stuff when Australia was first getting like colonized and stuff from Britishers. Yes.
शिप का नाम भी दे रखा हुआ यहाँ पे, लेडी फॉरेस्ट। काफी स्मॉल शिप तो नहीं बोल सकते, काफी स्मॉल बोट है ये। और यहाँ पे और छोटी और भी स्मॉल स्मॉल बोट्स। ये भाई बोट देखो, लेंथ तो इसकी ज्यादा लंबी नहीं, मगर इसकी जो सेल्स हैं भाई साहब, ट्रिपल तो साइज है इसके। और यह है अपर साइड, जो हमने लेडी फॉरेस्ट शिप दिखाई थी, यह उसका अपर साइड। ऊपर से तो काफी स्मॉल लग रही है, नीचे से तो लग रही थी बहुत बड़ी। और यह है पूरी उसकी हिस्ट्री, तो एक्चुअल साइज ये होता था पैलेस का, लेडी फॉरेस्ट का। मैं किसी शार्क्स के बारे में बात हो रही, मैगामाउथ स्पाइस में मुझे पावर ऑफ सरोपमेंट्स। भागो जी, इतना टाइम नहीं पड़ने का। ये बोट देखो, ये तो ऐसे लग रहा है हाथ से, मतलब सारी बोट हाथ से बनी जाती है, मगर ये तो लाइक लग रही है कि बहुत ही ट्रेडिशनल वे में बनाई है। कोई कोई बड़ा सा पेड़ काट के उन्होंने उसी को काफ कर दी, देख रहे हो हैंड के प्रॉपर स्टिचेस हैं। तो उस हिसाब से सुनने में आया, और ब्रेंडन ने जो उसमें बताया कि ये जो यहाँ के लोकल पीपल हैं अबोरिजिनल्स, उनकी काइंड ऑफ लाइक ये फर्स्ट बोट हुआ करती थी, कि उस टाइम पे ना कोई टेक्नोलॉजी ना कुछ, ये बात हो रही कुछ 200-300 साल पहले, उससे पहले की बात। तो वो लोग बड़े पेड़ों को काट के और हैंड क्राफ्ट करके ही ये बोट बनाते थे, मगर इन्हें को लाइक तुम ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड एरियाज में, जब उनको वाटर के थ्रू ट्रैवल करना होता तब ये बोट्स बनाई जाती थी, वो भी हैंड क्राफ्टेड। तो भाई काफ़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है ये। भाई तो पूरी कमर्शियल शेप का वो है एक मिनिएचर, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग डाली उन्होंने इसमें, एक एक चीज़ स्पेसिफाई कर रखी है। मैं गैस कर रहा हूँ शायद इंजन का साइन है, पता नहीं क्या साइन है, मगर हर एक चीज़ की मैं बारे में डिटेल्स दे रखी। भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा, मुझे लगा नहीं था कि एक शिप म्यूज़ियम से मैं इतना एक्साइटेड हो जाऊँगा, मगर यहाँ पे देखने को तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। लाइक पुराने पुराने टूल्स भी दे रखे, कि पुराने टूल्स कैसे बनाया करते थे लोग और कैसे यूज़ करें हैं। पेंसिल है वो बहुत पुराने ज़माने की, कटोरी ये जो भी है ये। More like whale, old whaling stations. Yeah. Where they'll catch a whale and then they'll drag it onto the, like, you know how we saw on the port before? They like drag it up so that then they can cut it all up and get a whale. Yeah, the whale. And before, when the whale comes in, all the sharks will start eating it. Yeah. It's like they're like feeding off of the dead whale they're dragging up. They don't do whaling anymore. They haven't done it for years. Because it's banned now, and it's illegal. Basically, yes. और miniature दे रखा भाई साहब, इसका तो नाम क्या है? अरे ढंग से सुनो, Shin Uzi Maru. बट ये commercial ship तो नहीं है, I think कोई porting ship ही है, जो like एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रही है, because cranes लगी पड़ी बहुत सारी यहाँ पे। भाई military ships के miniature दे रखे, इधर weapons. हैवी वेपन्स, भागने के लिए दो बोट, जस्ट इन केस अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम हारने वाले वो वॉर। दिस वन sunk by the Japanese. Sunk by the Japanese. Yeah. That's where they had the boat to get away from it. Yeah. अभी हम स्पेशल एरिया में आ रखे हैं, जिसमें इन्होंने नाम दे रखा सी मॉन्स्टर्स। यस, जो भी एनिमल का नाम है। और इसका साइज देखो भाई, ये इसका सिर्फ फेस है, गार्ड ये निकल सकता है ये। मछली अपनी या इसके उनके जो भी सिस्टम है वहाँ छोड़ने वाला हूँ मैं, तो मैं सोचा अपने कोई हिंट छोड़ दें। तो हम मछली का नाम रखने वाले हैं LTA। ये
लॉग्स, और ये मछली हो गई तिलस्मी। अब इसको पानी में छोड़ दी जाएगा। अपनी मछली आ चुकी है हमारे सरफेस पे। LTE व्लॉग्स पहला सेगमेंट डन हो गया है। फ्रीमेंटल म्यूजियम जो था मराइन टाइम का, वो डन कर लिया, देख लिया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। दो चार चीज़ सीखने को भी मिली, सी मॉन्स्टर्स भी देखे, लाइक उनके स्केल्टन्स, एक्चुअल मिनी स्केल्टन्स। फिश भी बना दी LTE व्लॉग्स के नाम की, उसमें शायद मेरे को लग रहा मैंने जी नहीं डाला था, तो कमेंट करके मेरी बेइज्जती करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ठीक है ना। तो भाई अब हम जा रहे हैं लंच के लिए केज रोड्स, एक ब्रूरी है यहाँ पे हमारे क्लब में। इसके जो सबसे फेमस बियर है वो है सिंगल फिन, वो बिकती है। देखते हैं क्या पता है, हमें ये ट्राई कराने को भी देते हैं कुछ। वो देख रहे हो मशीन्स लगी पड़ी हैं, ये है प्रॉपर ब्रूरी। और सिंगल फिन भाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑस्ट्रेलिया में। आई डोंट नो और जगह एक्सपोर्ट कितनी होती है नहीं होती, मगर ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सिंगल फिन के कैन। बताते काफ़ी फेमस ब्रूरी है, ब्रूरी का नाम है केज रोड्स, और सिंगल फिन है जो हमारे क्लब में बिकती है, मगर टैप पे नहीं, कैंस में आती है। मगर ये देखो उनके पास कितनी टाइप्स की वैरायटी है, कम से कम 10 से ऊपर बियर टाइप बनाते हैं। Hey, it's Brennan again. So this is going to be our second segment. We're here in Esplanade Park, which is right in the middle of Fremantle. It's pretty close to like the main Fremantle strip. This park's a nice little place if you like bring a picnic for lunch, that kind of thing. If you have kids, you can bring your kids here and they can hang out, that kind of thing. There's a Ferris wheel here. It's quite cheap. It's about $12 for an adult, and I think kids is like $10, something like that. So it's pretty cheap. You can bring a date if you're on a date, that kind of thing. And then you've got Little Creatures Brewery just over the train tracks as well. So you can go have lunch, come to the Ferris wheel, hang out, and then you can go hit the strips, which have like a lot of shopping. We're probably going to go there next, so that's on our next stop. So guys, जैसे कि Brandon ने बताया था कि इस ride पे हम घूमने जाने वाले हैं, और मैंने ये ride ना कुछ literally 6-7 साल पहले करी थी, तो मैं बहुत excited था, तो मैंने सोचा कि ये तो करनी ही करनी है। और इस ride की सबसे बड़ा advantage पता क्या है कि तुम्हें यहाँ से ना पूरा फ्री मेटल का आसपास के ना पूरा देख सकते हो, देख रहे हो पूरा पोर्ट देख सकते हो आपको। और अगर सिटी देखनी है तो यहाँ से तुम्हें सारी सिटी भी दिख सकती है। तो अगर फ्री मेटल आ रहे हो आप और ये चीज नहीं करी तो आपका फ्री मेटल आना हो जाएगा वेस्ट। तो अगर फ्री मेटल आओ तो भाई ये राइड जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पूरा फ्री मेटल का एरिया यहाँ पे ढंग से दिख जाएगा। सो प्लीज कम एंड सस्ती टिकट भाई, सिर्फ $12 ब्रांडन ने बताया था, तो आओ टिकट लो और पूरे नजारे का मुफ्त मजा लो, मुफ्त नहीं फ्री में नहीं, तो ठीक है। गाइज अभी हम आ रखे हैं फ्रीमेंटल मेन स्ट्रीट पे, और ये जो गेट देख रहे हो ये है एंट्रेंस फ्रीमेंटल की मेन मार्केट की। अभी हम वीकडेज में आ रखे हैं तो इसलिए शर्ट है, मगर वीकेंड्स पे लाइक फ्राइडे सैटरडे और संडे ये मार्केट्स खुली होती है सुबह 8-9 बजे से, और छोटे छोटे स्मॉल स्टॉल होते हैं जिसपे आप लाइक हैंड क्राफ्टेड चीज़ें खरीद सकते हो, और इवन वेजेज और फ्रूट्स ये सब भी मिलते हैं, मगर छोटी छोटी शॉप्स बहुत होती हैं। और ये है आगे की पूरी रोड। अभी हम पूरा मेन जो फ्रीमेंटल का मेन सेंटर एरिया है वो घूम रहे हैं। जो जो मेरे को चीज़ थोड़ी यूनिक सी लग रही है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको भी लग जाए कि हाँ यार मेरे को फ्रीमेंटल का भी आया मैं घूमने के लिए, या फिर यहाँ तक रहने को मिला तो ऐसी ऐसी जगह मैं जा सकता हूँ। क्योंकि ये जो फ्रीमेंटल मार्केट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं वो हमेशा वीकेंड्स पे जरूर इस पे एक बार जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हें चीज़ें मिलती हैं वो ना तुम्हें यहाँ की शॉपिंग मॉल्स और ऐसी जगह पे मिल नहीं सकती। तो बंदे प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड चीज़ें या फिर जो जो छोटे छोटे स्मॉल स्टॉल्स होते हैं वहाँ से कुछ सामान उठा सके। सो ये है गाइस फ्रीमेंटल का लाइक सेंटर एरिया, जहाँ पे सारी की सारी मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स उठा लो या शॉपिंग के लिए उठा लो। हाँ इसको जाने दो, इसने ज़्यादा शोर कर दिया वीडियो में। हाँ
बाकी हम फ्रीमेंटल एकदम सेंटर एरिया में भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे की सारी शॉप्स हैं, हर एक टाइप की ऐसी ब्रांड्स जो लाइक वर्ल्ड वाइड कोई पॉपुलर नहीं है, यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं जो अपने अपने कॉस्ट्यूम और डिज़ाइन को प्रमोट कर रहे होते हैं। छोटे मोटे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, आपको ऐसे ईटिंग प्लेस रेडसल, ये तो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। और इसके बाद हम जा रहे हैं हमारे तीसरे सेगमेंट पे, वो है यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट जो अभी स्टार्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, रिसेंटली आया था लास्ट ईयर, जिसकी एक ब्रांच है सिटी में और दूसरी ब्रांच खुली है यहाँ पे, फ्लाइट क्लब। तो वहाँ पे अगर हमारा कोई एक फ्रेंड काम कर रहा है, अगर वो उस टाइम पे शिफ्ट पे होगा तो ज़रूर उनसे मिलेंगे, और कोशिश करूँगा मैं उनको भी लाइक वीडियो में ले लूँ, उनसे भी एक बार हाय बुलवा दूँ तुम सबके लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारी तीसरी डेस्टिनेशन पे, जो कि शायद हमारी फाइनल हो सकती है, फ्लाइट क्लब फ्रीमेंटल। होप कर रहा हूँ मैं कि जो हमारे फ्रेंड हैं वो यहाँ पे काम कर रहे होंगे और उनसे बातचीत भी हो जाए, बहुत टाइम से मिले हुए, एक साल हो गया उनसे मैं मिला भी नहीं हूँ, देखते हैं काम कर रहे हैं कि नहीं। सो गाइस शाम हो गई है, हमारे जो थर्ड डेस्टिनेशन थी वहाँ पे लग गए हमें 2 से 3 घंटे, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड था वो भी आया उससे मिलने, और बात करते करते मेरे को याद नहीं रहा कि भाई वीडियो भी शूट करनी थी, तो उसके लिए मेरी तरफ से मौके पे ही सॉरी है। बाकी का यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड फ्रीमेंटल का एरिया जो भी हमने आपको दिखाया है, अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, भले वो फ्रीमेंटल कवर करने का हो या बर्थ कवर करने का हो, कमेंट डाउन कर देना, मैं बिल्कुल मौके पे ही ऐसे ब्लॉग्स ले आऊँगा। एंड बस अब घर जाने वाले हैं, सोचा रास्ते में जाते समय एक जिलाटो की आइसक्रीम खा ले, तो एक आइसक्रीम खाएंगे। एंड लास्ट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैंडन, या यू रिमेंबर? नो आई कांट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज। ऑलराइट, नाउ सिंस वी से इन एवरी सिंगल वीडियो लाइक सी यू नेक्स्ट टाइम, या वी गोना से सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो वी विल से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Maybe. Yeah, guys. Yeah. So if you think I should replace Path, I'm the new Path, maybe. Yes. Yeah, we can replace Path and he will be like the best one. You reckon I should be new Path. Or we can be the 3 Musketeer group. So let us know in the comment section. Yeah.